नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। पढ़ाई छूटने से छात्रा ने की खुदकुशी, मामले में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर हुई 13 हत्याएं। रविवार देर रात जेएनयू में हुई मारपीट को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। एएमयू और जेएनयू के बाद अगला नंबर सोशल मीडिया का होगा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर आए दिन केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरती रहती हैं। अब उन्होंने कानपुर में हुई घटना को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में पढ़ाई छूटने से छात्रा के खुदकुशी करने की घटना को टैग करते हुए सरकार पर फूट डालने का आरोप लगाया है। साथ ही सभी से महिला शिक्षा व सुरक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया है। दरअसल कानपुर शहर के बर्रा आठ में शनिवार को 18 वर्षीय महिमा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके पिता बंसल रिक्शा चालक हैं और मां घरों में बर्तन धोने का काम करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से हाई स्कूल के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी थी, जबकि महिमा आगे पढ़ना चाहती थी। वह दो बहनों सोनी और शिवानी में सबसे छोटी थी। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। उसने आखिरी बार अपने जीजा से फोन पर बात की थी। पुलिस ने आर्थिक तंगी की वजह से हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई ना कर पाने की वजह से उसके आत्महत्या करने की बात कही है। 18 साल की महिमा की आत्महत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दो ट्वीट किए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का ध्यान ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं जाता है। उनके मुताबिक हम सबको हर महिमा की शिक्षा और सुरक्षा के हक में संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति का मकसद जनता के विषयों को प्राथमिकता देने का है। शिक्षा, रोजगार, किसानों की मदद होनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान सरकार को गैर जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार सिर्फ फूट फैलाने में व्यस्त रहती है। एपी इंफ्राटेक नगरवासियों के लिए है आनंद विहार जैसी रिहायशी योजना। एलडीको और जवाहरपुरम के पास, जहां आप पा सकते हैं 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट पर अपनों के लिए अपने सपनों का घर। योजना अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। हर प्लॉट पर बैंक से 90% लोन की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी फोन मिलाएं और बुक करें अपना प्लॉट। प्लॉट बुक करने के लिए कॉल करें 9376979546 व 9648669922 पर। उत्तम प्रदेश के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 13 वारदातों ने कानून व्यवस्था के मजबूती के दावे पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कुल 7 जिलों में हुई हत्या की वारदातों से प्रदेश के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी अब भी प्रदेश की कानून व्यवस्था के मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि बीते रविवार को प्रयागराज जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले ने अब प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल उठा दिया है। प्रयागराज के सोराव इलाके में हुए इस हत्याकांड में अपराधियों ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी एक पुलिस थाने के पास अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अक्सर कानून व्यवस्था मजबूत होने के दावे करने वाली योगी सरकार इन सब मामलों को लेकर चुप्पी साधे बैठी हुई है। रविवार को सामने आई वारदातों में सबसे दर्दनाक घटना प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुई। यहां अपराधियों ने सोराव के यूसुफपुर इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतकों में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाने वाले सोमदत्त तिवारी, उनके पिता विजय शंकर, पत्नी सोनी तिवारी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस प्रयागराज के इस मर्डर केस के बाद फोरेंसिक विभाग और क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक अपराधियों के बारे में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। इस घटना के अलावा प्रदेश के ललितपुर जिले में एक डबल मर्डर केस सामने आया है। वहीं आगरा, कासगंज और मैनपुरी में भी हत्या के एक एक मामले सामने आए। पुलिस के अनुसार हत्या के अधिकतम मामलों में आपसी रंजिश से जुड़े होने की बात सामने आई है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक घटनाओं के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और सभी मामलों के दोषियों की तलाश जारी है। इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गौरतलब है कि ये सारी घटनाएं रविवार को ही हुई हैं। लोग इसे 2020 का काला रविवार कह रहे हैं।
रविवार शाम को जेएनयू छात्रों के साथ एक बार फिर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद सियासी संग्राम छिड़ चुका है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दे रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता जेएनयू जाकर राजनीति करते हैं, जिससे यह नौबत आई है। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जेएनयू में हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसमें जेएनयू प्रशासन की भी संलिप्तता थी। नकाबपोश गुंडे बीजेपी के थे। दिल्ली पुलिस हिंसा को चुपचाप देखती रही और छात्रों और टीचर्स को भी पीटा गया। क्या यह गृह मंत्री की मौन समर्थन के बिना संभव है? हालांकि इस बात की जानकारी तो पूर्व सांसद उदित राज ने भी दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उनको ये कहते सुना जा सकता है कि जेएनयू में बीजेपी के लोग छात्रों से मारपीट कर रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं। वंदे मातरम और भारत माता के नाम के जयकारे लगा रहे थे। उनका कहना है जब वो लोग वहां से हटे तो पुलिस के प्रोटेक्शन में हटे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि जेएनयू में पुलिस के सहयोग से गुंडे घुसे थे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेएनयू में रविवार रात हुई हिंसा पर निराशा जाहिर की और कहा कि यह उस डर को दिखाती है जो हमारे देश को नियंत्रित कर रही फासीवादी ताकतों को छात्रों से लगता है। उन्होंने ट्वीट किया, नकाबपोश लोगों द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों पर किया गया नृशंस हमला चौंकाने वाला है, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे देश को नियंत्रित कर रही फासीवादी ताकतें बहादुर विद्यार्थियों की आवाज से डरती हैं। जेएनयू में आज हुई हिंसा उस डर को दर्शाती है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जेएनयू परिसर में हुई हिंसा में घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंची हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अब मोदी शाह के गुंडे हमारे विश्वविद्यालयों में उपद्रव कर रहे हैं, हमारे बच्चों में भय फैला रहे हैं, जिन्हें बेहतर भविष्य की तैयारियों में लगे होना चाहिए। इस जख्मों को बढ़ाते हुए बीजेपी नेता मीडिया में ऐसा दिखा रहे हैं कि जेएनयू में हिंसा करने वाले उनके गुंडे नहीं थे। इस मामले में केरल सीएम विजयन ने कहा कि नाजी स्टाइल में छात्रों और शिक्षकों पर जेएनयू में हमला किया गया है। यह उन लोगों का काम है जो देश में अशांति और हिंसा फैलाना चाहते हैं। आरएसएस से जुड़ी ताकतों को कैंपस में इस तरह के खूनी खेल से रोका जाना चाहिए। अगर वे छात्रों की आवाज समझ लें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब नकाबपोश लोग कैंपस में घुस रहे थे तो वहां के वाइस चांसलर क्या कर रहे थे? बाहर खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन के होते हुए अगर कहीं कोई हुड़दंगा करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? पहले अक्सर खबरों में सुनने को मिला करता था 2020 के बाद भारत विश्वगुरु देश बन जाएगा, तो क्या मोदी जी और अमित शाह भारत को इसी तरह का विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? कल शाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों और शिक्षकों पर नकाब पहने गुंडों के हमले के बाद सोशल मीडिया पर जेएनयू के पक्ष और विरोध में कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इन हैशटैग में हैशटैग जेएनयू अटैक, हैशटैग रिजाइन अमित शाह, हैशटैग शट डाउन जेएनयू, दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी और हैशटैग लेफ्ट अटैक्स जेएनयू शामिल हैं। ये सभी हैशटैग टॉप 10 ट्वीट्स में शामिल हैं। इस हिंसा पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नौकरशाहों, पत्रकारों और आम लोगों ने अपनी राय दी है। दक्षिणपंथी ट्विटर यूजर इसे वामपंथियों की ओर से की गई हिंसा बता रहे हैं। वहीं वामपंथी ट्विटर यूजर इसे एबीवीपी की ओर से की गई हिंसा बता रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने क्या कहा? फिल्म निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, हिंदूवादी आतंकवाद अब पूरी तरह सामने आ गया है। अभिनेत्री श्रुति सेठ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, विकास की कीमत काफी महंगी है और इस कीमत को शांति और समरसता से चुकाना होगा। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने लिखा, कम शब्दों में कहें तो जो लोग भी ये सब देख कर भी नजरअंदाज कर रहे हैं तो अगला नंबर उनका हो सकता है। इसका मूल सार यह है कि वो सभी लोग जो इस सब से इनकार करते हैं या आप किसी भी एंगल से हिंसक तत्व का समर्थन करते हैं, आप ये तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि ये आग आपके घर नहीं पहुंचती। आप तब तक हिंसक भीड़ के साथ खड़े रहेंगे जब तक ये हिंसक भीड़ का निशाना आप ना बन जाए। वहीं सावधान इंडिया में काम कर चुके एक्टर सुशांत सिंह ने लिखा है, स्ट्रीट लाइट और इंटरनेट बंद करके सीसीटीवी कैमरे तोड़कर और मुंह छिपाकर चोर और आतंकवादी आते हैं, देशभक्त नहीं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें कभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।